हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने किया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। ओके, मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स के अंदर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव भी बता दिया था। ओके, एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला पार्ट भी बता दिया था कि उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आ जाता है। ओके, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यार, जब ऑलरेडी एरेज थे, एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते थे, जब ऑलरेडी एरे थे तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्या नीड थी, क्योंकि एरे के अंदर भी हम लोग मल्टीपल डाटा स्टोर करवाते हैं एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर भी एक ही एंटिटी के अंदर हम लोग मल्टीपल डाटा स्टोर करवाते हैं। ओके, तो एरे एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या डिफरेंस है, एरे के क्या डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये वाला पार्ट आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखो तो हम लोग डिफरेंस स्टार्ट करते हैं कि एरेज एंड कलेक्शंस में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज एरेज। ओके, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क्स आ गए। ओके, और ये हमारे पास क्या आ गया, एरेज। ओके, देखो फर्स्ट पॉइंट, एरे के अंदर, ये एरे की बहुत अच्छी बात थी, ये एरे का बहुत अच्छा एडवांटेज था कि एरे के अंदर हम लोग प्रिमिटिव प्लस नॉन प्रिमिटिव टाइप का डाटा, दोनों टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते थे। बट कलेक्शंस के अंदर, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप ही स्टोर करवा सकते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप स्टोर नहीं करवा सकते। क्लियर है चीज? तो ये डिफरेंस मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज एरेज कैन स्टोर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा। क्लियर है चीज? यहां पर एरे के अंदर हम लोग प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्या, प्रिमिटिव कौन से पार्ट आ गए, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, वो सारे कौन से आ गए, प्रिमिटिव। एंड नॉन प्रिमिटिव कौन सा पार्ट आ गया, डेट इज ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है चीज यहाँ पर? तो ये चीज का ध्यान रखना कि एरे के अंदर हम लोग प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों टाइप का ही डेटा स्टोर करवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे ये देखो, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट कर दिया और उसके अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करवा सकते हैं, मतलब प्रिमिटिव टाइप का डाटा हम लोग यहां पर स्टोर करवा रहे हैं। क्लियर है चीज? बट अब यहां पर समझो, जैसे मेरे पास यहां पर क्या, एक क्लास है मेरे पास टेस्ट नेम की। ओके, तो उसके अंदर यहां पर कोई भी बॉडी पार्ट आ गया, तो मैं क्या काम कर सकता हूं, यहां पर टेस्ट क्लास का यहां पर एक एरे क्रिएट कर सकता हूं और यहां पर टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स में यहां पर क्रिएट कर सकता हूं, जैसे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। तो हम लोग यहां पर क्या काम कर सकते हैं, टेस्ट क्लास का एक एरे क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स आप लोग यहां पर पुट करवा सकते हो, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स आप लोग इस एरे के अंदर पुट करवा सकते हो। क्लियर है चीज? तो यहां पर आप लोग समझ रहे हो, एरे के अंदर हम लोग प्रिमिटिव टाइप का डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव, दैट इज एरे के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है चीज? यहां पर क्या रहेगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर 10, 20 एंड 30 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, इस केस में क्या रहेगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर यहां पर ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, दैट इज obj1, obj2, obj3। क्लियर है चीज यहाँ पर? तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को पता ही है, टेस्ट t1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, तो इस न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और वो पार्ट हम लोग इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज? तो सिंपल है, फर्स्ट जो एरे का बहुत अच्छा एडवांटेज भी है कि एरे के अंदर हम लोग प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, बट कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ये चीज का ध्यान रखना, कलेक्शन फ्रेमवर्क कैन कंटेन ओनली नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाटा। क्लियर है चीज यहां पर? हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ नॉन प्रिमिटिव टाइप का डाटा ही स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज यहां पर? तो ये आप बोल सकते हो कि इस कंपैरिजन में एरेज जो है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क से अच्छा था। क्लियर है चीज? जैसे यहां पर देखो,
कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एक पार्ट आ जाता है एरे लिस्ट, जो मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक एरे लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एरे लिस्ट AL इक्वल्स टू न्यू। मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक एरे लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, मैं यहाँ पर जेनरिक्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, वो चीज छोड़ दो, जेनरिक्स भी आगे आ जाएगा। और मैं क्या काम कर रहा हूँ, एरे लिस्ट, एक एरे लिस्ट ये क्या हो गया, एक तरह से एंटिटी बन गई। जैसे यहाँ पर एक एरे क्रिएट हो रहा था, वैसे यहाँ पर AL एक एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, और उसके अंदर मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, AL डॉट एड, मैं यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट ऐड करवाऊंगा। तो ध्यान रखना, वो एलिमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, क्लियर है। जिस मैं यहाँ पर AL डॉट ओबीजे वन, मैं यहाँ पर ओबीजे वन स्टोर करवा सकता हूँ, क्लियर है जिस। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर 10 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं एरे लिस्ट के अंदर इस चीज को 10 को ऐड करवा रहा हूँ। बट यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो 10 रहेगा, ये क्या रहेगा, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। मतलब ये क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है, ये एज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर ये सिंपल इंटीजर थे, इंट था ये इंट था यहाँ पर, ये चीज का ध्यान रखना। इंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या थे, इंट थे, बट यहाँ पर ये क्या है, इंटीजर है, क्लियर है चीज। दिस इज इंटीजर, समझ में आ गई है ये चीज बात। ओके, इंटीजर क्या होती है, रैपर क्लास होती है, किस चीज के लिए बनाई गई है, इंट के लिए। ओके, तो ये यहाँ पर एक तरह से ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का, जैसे इंटीजर i इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और इसके अंदर हमारे पास 10 है, तो ये वाला 10 यहाँ पर स्टोर हो रहा है, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट है, ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। तो सिंपल है कि यहाँ पर कलेक्शंस के अंदर जो भी पार्ट आप ऐड करते हो, वो हमेशा किसकी तरह ट्रीट होगा, वो हमेशा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ही ट्रीट होगा। हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही स्टोर करवा सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, क्लियर है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, देन हम लोग आ जाते हैं सेकंड डिफरेंस पर, दैट इज एरेज कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, क्लियर है चीज। यहाँ पर होमोजीनियस का क्या मतलब है, दैट इज सेम टाइप ऑफ डेटा। अब यहाँ पर ये चीज एरे का डिसएडवांटेज आ जाता है, क्या चीज, कि भाई एरे के अंदर हम लोग सेम टाइप का डेटा ही स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट कर दिया, और अगर मैं यहाँ पर 20 की जगह पर मैं अगर यहाँ पर z लिख देता हूँ, तो ये चीज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा एरे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, तो मैं सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करवा सकता हूँ, कैरेक्टर्स या फिर कोई भी दूसरा डेटा टाइप मैं यहाँ पर स्टोर नहीं करवा सकता, क्लियर है चीज। तो एरे कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, बट ये एडवांटेज आ जाता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का कि वी कैन स्टोर हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, क्लियर है चीज। यहाँ पर हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, यहीं पर ही देख लो आप। मैंने यहाँ पर AL क्या था, एरे लिस्ट, AL के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट 1 भी स्टोर करवा दिया, जो किस चीज का, टेस्ट क्लास का पार्ट था। ओके, और यहाँ पर मैंने 10 भी स्टोर करवा दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, दैट इज AL डॉट एड, यहाँ पर हम लोग ये लो जी जेड भी मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स के यहाँ पर हम लोग हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, क्लियर है चीज। बट यहाँ पर ध्यान रखना, एरे के अंदर हम लोग होमोजीनियस टाइप का ही डेटा स्टोर करवा सकते हैं, डिफरेंट डेटा को आप लोग स्टोर नहीं करवा सकते। ओके, तो इस केस में अगर देखा जाए तो कलेक्शंस जो हैं वो थोड़े ज्यादा अच्छे हो जाते हैं एज कंपेयर टू एरेज। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ये डिफरेंस भी ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, द नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं, दैट इज एरेज, एरे साइज इज फिक्स्ड, एरे का साइज जो है वो फिक्स होता है, वी कैन नॉट इनक्रीज
और डिक्रीज द साइज ऑफ एन एरे एट रन टाइम। ये पॉइंट का भी अगेन आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक बार अगर हमने एरे क्रिएट कर दिया, एक बार अगर आप लोगों ने एरे क्रिएट कर दिया उसके बाद एरे का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कल को आप रन टाइम पर इसका साइज इंक्रीज कर दो और यहां पर आप लोग कोई न्यू एलिमेंट ऐड करने लग जाओ। ये वाला पार्ट एरे के केस में पॉसिबल नहीं है। क्लियर है चीज? तो अगेन ये भी एरे का काफी बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ओके, बट अगर हम लोग बात करें कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कलेक्शन का साइज फिक्स नहीं होता, हम लोग साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं रन टाइम पर। क्लियर है चीज? तो यहां पर यह चीज का ध्यान रखना, डेट इज वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ कलेक्शंस, ऑफ कलेक्शंस हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, क्लियर है चीज? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग कलेक्शंस का साइज जो है वो चीज हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं रन टाइम पर। एट रन टाइम भी आप यहाँ पर लिख दो। क्लियर है चीज? यहाँ पर तो रन टाइम पर हम लोग कलेक्शन का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इसके अंदर साइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है चीज? यहाँ पर अगर हमारे पास एक बार एरे लिस्ट क्रिएट हो गया, एरे लिस्ट अगर क्रिएट हो गया तो इसके अंदर आप लोग जितने मर्जी एलिमेंट स्टोर करवा सकते हो। क्लियर है चीज? बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर एक बार एरे क्रिएट हो गया arr a, जैसे a क्या हमारे पास एरे है, अगर एक बार एरे क्रिएट हो गया तो आप लोग इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर है चीज? बट इस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि एरेज का, एरे लिस्ट नहीं कलेक्शंस, तो कलेक्शंस का साइज यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है रन टाइम पर। आप जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड यहां पर करवा सकते हो। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आगे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आएगा, मैं आप लोगों को आगे डीपली एक्सप्लेन भी करूंगा ये वाला पार्ट। क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये भी अगेन क्या था, एरे का एक डिसएडवांटेज ही होता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट का आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखना है कि एरे के अंदर हम लोगों को अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें उसके लिए एल्गोरिदम खुद से बनाने पड़ते थे। ओके, बट कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, अगर हमें कोई भी एलिमेंट ऐड करवाना है तो उसके लिए भी मेथड है, कोई भी एलिमेंट डिलीट करवाना है तो उसके लिए भी मेथड है। तो ये क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, एक एपीआई प्रोवाइड की हुई है, जावा ने एक एपीआई प्रोवाइड की हुई है और उसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस एंड मेथड्स है, उन मेथड्स के थ्रू हम लोग डायरेक्टली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बट एरे के अंदर ऐसा नहीं होता है, एरे के अंदर हम लोगों को खुद से एल्गोरिदम्स डेवलप करने होते हैं। क्लियर है चीज? तो ये पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या चीज ध्यान रखना है, दैट इज एरेस आर इनबिल्ट फीचर ऑफ जावा एंड दस वी हैव टू डेवलप एल्गोरिदम्स। क्लियर है चीज? जैसे सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, तो हमें उस टाइप के एल्गोरिदम्स जो हैं वो खुद से डेवलप करने पड़ते थे। ओके, बट कलेक्शन फ्रेमवर्क का ध्यान रखना है, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क इज एन एपीआई। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ये एक एपीआई होती है which provides predefined classes, interfaces and methods. क्लियर है चीज यहाँ पर? तो ये क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, एक एपीआई होती है जो कि प्री डिफाइंड क्लासेस इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, डिलीशन हो गया, तो हमें डायरेक्टली उन मेथड्स को यूज करना होता है, हम लोगों को एल्गोरिदम्स खुद से डेवलप करने की नीड नहीं होती। ओके, हालांकि हायर लेवल पर हम लोग डेवलप भी करते हैं, बट कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर इस टाइप के जो एल्गोरिदम्स है वो पहले से ही प्रोवाइडेड है, बट एरे के अंदर हम लोगों को एल्गोरिदम्स खुद से डेवलप करने होते हैं। क्लियर है चीज? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एरेज एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क के जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अपने कुछ अलग एडवांटेजेस हैं और एक दो डिसएडवांटेज भी है। ओके, बट एरे के अपना एक एडवांटेज है, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसकी वजह से कलेक्शन फ्रेमवर्क एपीआई जो है वो चीज जावा ने इंट्रोड्यूस किया था और आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका बैकएंड पार्ट
पार्ट बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क होते क्या है, वो काम किस टाइप से करते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है। ओके, इनकेस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।